I would like to have Mr. Inderjeet Pal here. He's been associated with Bollywood for many decades. He has, he's a phenomenal keyboard player, and he has accompanied Lata, Asha Bhosle, Kishore Kumar, Mohammed Rafi, and Opi Nair as well. So, Inderjeet Saab, please tashreef laiye. देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि कुछ अलग सा माहौल नजर आ रहा है। काले कपड़े हैं और थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी हुई है, चश्मा लगा रखा है। इन सबको देखकर हमें क्या याद आता है, ये एक बहुत ही बॉलीवुड के हमारे खास ही म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है बप्पी लहरी साहब। उनका नाम आते ही हमें एक तो डिस्को याद आता है और एक उनका नाम याद आते ही हमको काले कपड़े विथ लॉट ऑफ ज्वेलरी, ही इज़ द गोल्ड मैन ऑफ द इंडस्ट्री। और बहुत ही सुरीले, बहुत ही प्यारे इंसान हैं वो। आज हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि आज हमारे साथ में बप्पी दा के साथ में, जिन्होंने बहुत सालों तक अपना एसोसिएशन बनाए रखा है, वो आज हमारे बीच में है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। आई वुड लाइक टू गिव द स्पॉटलाइट टू श्री आईपी सिंह जी फ्रॉम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। आईपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड देन आई नमस्कार जी। नमस्कार सबको मेरी तरफ से, और खुशी है कि आज हम लोग बप्पी लहरी जी के ऊपर एक शो करने वाले हैं जी। और मुझे कुछ आप पूछे उनके बारे में या कुछ इंसिडेंट्स होगी तो मैं बताता जाऊंगा। मैं तो आईपी जी, मेरी बातचीत तो आपसे भी जारी रहेगी बप्पी जी के बारे में भी और आपके बारे में भी। पहले तो ये बताइए, संगीत का शौक आपको कैसे हुआ और मुंबई की तरफ रुख कैसे हुआ?
आपकी मुंबई की पैदाइश तो नहीं है? नहीं, मैं मेरी आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ग्वालियर, दैट इज इन एमपी, जी और हमारे फादर की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप थी जो ग्वालियर में सिर्फ एक ही शॉप हुआ करती थी, और 1936 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था ये बिजनेस, अच्छा और वो अभी भी चल रहा है उसको, मतलब 2036 में 100 ईयर्स हो जाएंगे। अरे वाह, तो सही है। संगीत का शौक जो है बेसिकली वहीं से शुरू हुआ। हाँ जी, स्कूल के बाद हम लोग बच्चे दोनों ब्रदर्स दुकान पे जाते थे, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट उठाते थे, बजाते थे, तो वहाँ से एक चालू हो गई लगन। हाँ लेकिन फिर फैमिली में और किसी को बाद में सब अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा। आज तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये ख्याल हमको सबको आया कि ये आईपी सिंह जी का एसोसिएशन तो बप्पी दा से है, तो क्यों ना ये ट्रिब्यूट बप्पी दा के नाम कर दिया जाए। जी तो जी आपका जी रिकॉर्डिंग रूम एक्सपीरियंस कैसा था बप्पी दा के साथ में? देखिए, बप्पी लहरी दा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, और अच्छी बातें भी और कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन अगर मेरे को कोई एक वाक्य में पूछे कि बप्पी दा क्या है, तो मैं ये बोलूँगा कि वो म्यूजिक का एक कंप्लीट पैकेज है। That's very उनसे good. बहुत कुछ सीखा भी, जी और उन्होंने एनकरेज बहुत किया नए लोगों को भी। आई एम वन ऑफ देम। तब मैं नया ही था एकदम इंडस्ट्री में। हाँ जी, नहीं आपकी क्वालिटीज हैं जो उन्होंने पहचानी, तो ये तो उनकी भी खुशकिस्मती है कि आईपीजी बप्पीजा के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्ले सम बप्पीदा सॉन्ग फॉर अस। हाँ, मैंने उनके वो ही गाने सेलेक्ट किए हैं जो थोड़े अलग अटके हैं, और उनकी जो शुरुआत के कैरियर के गाने हैं। तो ये गाना है सबसे पहले जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप पहचान जाएंगे, उसका म्यूजिक बजते ही आप पहचान जाएंगे।
मज़ा आ गया, गजब का आपने ये बजाया है एंड टोटली ऑसम। कीबोर्ड बजाना अलग बात है और उसको सुर में बजाना, ताल में बजाना अलग बात है। तो चलिए आपसे बातचीत जारी रहेगी, मैं अब पूजा माथुर को इनवाइट करूंगी, आई विल गिव हर द स्पॉटलाइट। पूजा आप क्या लेकर आ रही? पूजा वाज वन पर्सन जो बप्पी दा के नाम से इतना खुश हो गई कि मुझे मेरा आज फेवरेट जो जॉनरा है वो मिल गया। आपको भवेश जी कहते हैं सबसे छोटी बच्ची है ये, तो दैट इज सो ट्रू दैट ऑफ कोर्स यू ग्रू अप विद दीस सॉन्ग्स, सो टेक इट ओवर। जी जी, थैंक यू सो मच आईपी जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं आज एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव शेयर द स्टेज विद यू ऑन आवर फर्स्ट एवर लाइव शो एंड ऑल दोज मेमोरीज केम थ्रू व्हाइल वी वर watching your video in the beginning, तो बहुत ही अच्छा लगा and as संगीता जी rightly said, I was excited because बप्पी दा के songs सुन के हम बड़े हुए हैं, उनके गानों पर बहुत हमने नाचा है, थिरका है and I love his soulful melodies as well, जैसे माना हो तुम आपने बजाया, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इसको compose किया है। so we all have actually picked some peppy numbers and some really really soulful songs as well aaj ke show ke liye, to it's a great mixture of his compositions. so main lekar aa rahi hu 1982 ki film Namak Halal se Jawani Jaane Man, one of my favorite peppy songs. I hope I can do justice to this. जवानी जाने मन हसीना दिल रुबा, मिले जो दिल जवान निसार हो गया। जवानी जाने मन
हसीन दिल रुबा मिली जो दिल जवां निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुलम हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो जवानी जान मन हसीन दिल रुबा मिले जो दिल जवां निसार हो गया देखो दिल रुबा ऐसे ऐसे तुरु 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 तू खाई खाई बेजुबा दिल ने चोट ये कैसी अरे वो मिली नजर अरे ये हुआ से जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले जो दिल जवा निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुलम हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो देखो कातिल कातिल जान मन कैसे कैसे होता है देखो अरे वो मिला सनम अरे ये हुआ सितम वो दुश्मनी जाना दिलदार हो गया सैयाद को बुलबुल प्यार हो गया तू आई क्या हुआ ये कब हुआ न जानू मैं न जाने वो जवान जान मन हसीना दिल रुबा मिले जो दिल जवा निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुलम हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कम हुआ न जानू मैं न जाने वो वेरी नाइस पूजा बहुत सुंदर गाया आपने थैंक यू सो मच अब मैं हमारे मैरीलैंड के एक सिंगिंग डुओ को इनवाइट कर रही हूँ विनीता जी बहुत स्वागत है आप नमस्कार आईपी जी हमें याद है आपके संग हम लोगों ने अपना जैसा पूजा जी ने बताया पहला शो किया था और उसके बाद भी एक बार आपसे मिले थे बट अब कोविड की वजह से मिलना नहीं हुआ तो चलिए आज यहीं पे ऑनलाइन ही मिल पाए बड़ी खुशी हो रही है साहब मिलकर और आप इसी बदौलत हमने भी अब अप्पी जी के कुछ गाने सीखे तो जो गाना हम आज गाने जा रहे हैं वो है आज का अर्जुन फिल्म का
और जिसे अनजान जी ने लिखा है और भप्पी दा का म्यूजिक ही है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। फस जाए हरी हरी चूड़ियों की देगी हरियाली तुझे बिना तेरी के दिन चलाए। गोरी है कलाइया बुला दे मुझे हरी हरी चूड़ी वेरी नाइस नाइस जी। तो अब मैं आईपीजी को वापस स्टेज पर लाना चाहूंगी। बिल्कुल मैंने थोड़े हटके गाने लिए हैं तो थोड़ा सा आपको मजा आना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत करिए। Thank you.
फ्यूचर। पहले आप बताइए, आपकी जो क्यूट बेबी आई थी, आपकी ग्रैंड डॉटर है ये? जी जी, ग्रैंड डॉटर है, 2 साल की है। फिर से लेकर आइए आप स्टेज पर। मेहर, मेहर कम, आंटी कॉलिंग यू, प्लीज कम कम कम। ये भी हमारे घर के मेंबर हैं एक। स्वीट। ये जितनी देर मैं कीबोर्ड बजाता हूँ ये मेरे पैरों में आके बैठा रहता है। So sweet. और ये जब मैं सैक्सोफोन बजाता हूँ तो जाके कहीं छुप जाता है, सैक्सोफोन से बहुत डरता है। देखो आंटी, से हाय टू आंटी। हाय, हाय मेहर, सो आंटी कॉलिंग यू, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, गुड टू सी यू। शी इज सेइंग थैंक यू, गुड टू सी यू बेटा, गुड टू सी यू। तो आईपीजी आपके साथ में भी जारी रहेंगी। अभी मैं पूजा जी को इनवाइट करती हूँ फॉर द नेक्स्ट वन। जी जी, आईपीजी बहुत बहुत खूबसूरत बजाया आपने, एंड वेरी आइकॉनिक एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ कोर्स। सो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है, सो माय नेक्स्ट सॉन्ग हियर इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ माइंड सिंस चाइल्डहुड, जो कि आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग। और ये फिल्म जख्मी से है और लता जी और सुषमा श्रेष्ठ जी का गाया हुआ है। तो होपफुली आप सबको पसंद आएगा। Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming.
बहुत सुंदर तुझे, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। अब मैं विनीता जी को इनवाइट करना चाहूंगी। बहुत ही बढ़िया पूजा, मजा आ गया। जो गाना मैं अब गाने जा रही हूँ वो है फिल्म डिस्को डांसर का, और भाभी जी ने ही गाया है, अनजान जी के शब्द हैं इसमें। कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइप का गा पाऊँ।
थैंक यू, थैंक यू सो मच सो मच विनीता। मुझे लगता है डिस्को गाने कंपोज करना तो ज्यादा मुश्किल होता होगा क्योंकि उसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने पड़ते हैं, कौन सा कब बजाना है कौन सा कब नहीं बजाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा नहीं बजाना है। उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं थी जब ये गाने बने थे, मसलन जैसा पूजा जी ने दूसरा गाना भी जो पहला गाना गाया था तो उसमें जो पीछे गिटार्स के बेस गिटार के और जो पैटर्न बज रहे हैं वो मैन्युअली बजाने पड़ते थे। आजकल तो कंप्यूटर के ऊपर वो इजी हो गया है, उसको कंपोज कर दिया जाता है। जी जी जी। तो ये गाने इतने मेहनत करनी पड़ती थी इनके पीछे और इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी फिर भी ये गाने जो हैं 4-5 घंटे में रिकॉर्ड हो जाते थे। वाह। आज ऐसा गाना कोई रिकॉर्ड करने जाता है तो उसको 4-5 दिन लगाता है वो, क्योंकि वो कंप्यूटर से करते हैं, उसमें ये ठीक करना है वो ठीक करना है ये डालना है वो निकालना है। तो इतने परफेक्शन से जो पैटर्न्स वगैरह बजाने होते हैं वो मैनुअल बजाने बहुत मुश्किल होते हैं, जो कंप्यूटर से हम बजा लेते हैं या कीबोर्ड से बजा लेते हैं। हाँ जी। तो ये मतलब एक काबिले तारीफ है कि उस 80s में और 90s में उन्होंने इस तरह के गाने बनाए जो आज की जनरेशन के गाने हैं। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा आईपी जी। और आपने और भी इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते हैं आईपी जी कीबोर्ड के अलावा, आपने फ्लूट बताया था। वैसे तो थोड़ा थोड़ा सभी बजा लेता हूँ मैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ सम, नन नहीं बोल सकता, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ सम। तो अभी लेटली मेरे को सैक्सोफोन बजाने का शौक आया तो मैंने कभी बजाया नहीं था। तो लास्ट टाइम जब मैं यूएसए आया था तब मैंने सैक्सोफोन खरीदा था एक्चुअली। अच्छा। तो दैट वाज आई थिंक 2018। हाँ जी। तो 2 साल में मैंने जो प्रैक्टिस की। तो नेक्स्ट गाना मैं कोशिश करता हूँ आपको सैक्सोफोन पे बजा के सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। उसमें कोई गलती हो तो मेरे को माफ कीजिएगा क्योंकि वो मेरा फोर्टे नहीं है, बट आई विल ट्राई। श्योर।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट आईपी जी, बहुत ही बढ़िया. जैसे कि अनीता जी ने अभी मेंशन किया कि लग ही नहीं रहा आपने 2 साल पहले बजाना शुरू किया, ये तो हम नहीं मान सकते. ऐसा लगता है आप तो बचपन से सैक्सोफोन बजाते आ रहे हैं. बहुत बढ़िया बजाया आपने. तो चलिए देखते पूजा जी अभी क्या लेकर आती हैं. पूजा विल लेट यू परफॉर्म योर नेक्स्ट सॉन्ग. जी थैंक यू संगीता जी. IPG, it felt like कि आप बजाते जाएं और हम सुनते जाएं. Actually, it was so beautifully played and it was so mesmerizing. Thank you so much for bringing that to us. तो मेरा अगला गाना है 1980s की one of the other very sweet film, चूटी से. बहुत ही melodiously composed song है again and sung by लता जी and किशोर था, but I am singing, trying to sing solo. Hopefully, I do justice to this.
जब शर्मा for your compliments and comments. बहुत सुंदर पूजा, बहुत सुंदर. ये गाने सुनते जाइए, कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा ये गाना भी बप्पीदा का बनाया हुआ है. I was pleasantly surprised कि ये मूवी बहुत साल पहले देखी थी and this was by. तो विनीता जी आप क्या लेकर आ रही हैं? मैं भी लता जी का ही ये गाना ला रही हूँ. यह है सुराग फिल्म से और कैफी आसमी जी ने लिखा है इसको. Thank you.
वंडरफुल मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट दो गाने पूजा जी ने और विनीता जी ने गाए हैं, ये मैंने पहले कभी नहीं सुने और लग ही नहीं रहा था कि ये इतने इतने मीठे गाने भी बप्पी दा ने कभी बनाए होंगे। जी 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 बिल्कुल, जितने मीठे गाने हैं उतनी खूबसूरती से गाया आप दोनों ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। और संगीता जी आपका गाना सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं, आप कब गाएंगे? मैं आपके लिए आज प्रोग्राम आपके लिए है, स्पॉटलाइट आप पे है, विनीता जी पूजा जी हैं, मैं आई एम जस्ट हियर फॉर एंकरिंग टुडे। तो एक गाना अगर मैं गा पाई तो मैं वो रात बाकी मैं सुनाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले चलिए वो सुना देते हैं आपको। जी जी जी, थैंक यू। बपीदा के कुछ आइकॉनिक कॉम्पोजिशंस हैं, उनमें से ये गाना एक है, रात बाकी बात बाकी, और बड़ा लंबा गाना है ये, तो इसको मैंने थोड़ा सा कट शॉर्ट किया, उसका म्यूज़िक निकाला है, करीब 2.5 मिनट निकल गए म्यूज़िक में। सो यू कैन इमेजिन कि कितने खूबसूरती से इसको उन्होंने बनाया है और कितना इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल इसमें हुआ है। सो हियर वी गो।
सो मच। तो ये इंदर जी आपके आग्रह पे ये मैंने गाना गाया, सो थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपको वापस बुलाना चाहूंगी बैक ऑन स्टेज। I'm on. अब मैं जो गाना बजाने जा रहा हूँ, ये गाना बपीदा मोस्टली अपने शो में लास्ट में गाया करते थे, और सिर्फ बपीदा नहीं, मैंने काफ़ी शोज़ देखे हैं, शोज़ का एंड इस गाने से अच्छा हो ही नहीं सकता। चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, बहुत कभी है। कभी अलविदा ना कहना, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, से हेलो, हेलो, हेलो मेहर, हेलो आंटी को हाय बोलो, हाय, सिंग सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, जॉनी से, जॉनी जॉनी यश पापा, जॉनी जॉनी पूरा सुनाती है, एंड शी इज हार्डली 2 इयर्स। तो ये जो गाना है, मतलब मोस्टली हर शो में लास्ट में ये गाना गाना लोग गाना पसंद करते हैं कि कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे और मिलते ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आखिरी इस शो का गाना है, बाकी तो हम दोबारा मिलेंगे जरूर जी।
वाओ आईपी जी, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बहुत खूबसूरत. सो वंस अगेन इनवाइटिंग ऑल टीम, अनम्यूट एंड एको कैंसिलेशन एवरीवन, सो वी कैन हैव अ लिटिल चिट चैट. आज का ये प्रोग्राम जो था बप्पी साहब पे, बप्पी दा पे, हमारा ट्रिब्यूट था बप्पी दा के लिए. सो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सबने परफॉर्म किया. सो हैप्पी टू बी डूइंग दिस फॉर बप्पी दा. सो हैप्पी, सो ऑनर्ड टू हैव यू हियर आईपी जी. बहुत अच्छा लगा बप्पी दा के बारे में जानकर. वो आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा उनके बारे में नॉलेज नहीं है. जी, तो वो एक जैसे कहते हैं एग्जाम में ऑप्शनल पेपर के जैसे आते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं आएंगे. बिकॉज ही इज एन इंडस्ट्री इन हिमसेल्फ, ही इज वेरी टैलेंटेड. आपसे जितने भी उनके गाने सुने हैं, पूजा जी, विनीता जी ने जो गाने सुनाए हैं आज, वो सुन के कभी लगता नहीं था कि अच्छा ये गाना भी बप्पी दा का बनाया हुआ है. बट ही हैज हिज ओन पर्सनैलिटी एंड वो उन्हें रखी है उन्होंने, एंड दैट्स इंडस्ट्री में अपना उन्होंने एक परचम अपना बनाया हुआ है. दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट, और बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जान के. मंजुला जी बिल्कुल सही कहा आपने, आज का प्रोग्राम बहुत डिफरेंट था और सभी ने बहुत बहुत अच्छे गाने चुने और गाए, और आईपी जी के साथ में कीबोर्ड और सैक्सोफोन बहुत अच्छा रहा. थैंक यू सो मच. और आपके डॉग और ग्रैंड डॉटर दोनों को देखकर भी बहुत अच्छा लगा. दोनों को मेरा, हमारा सबका बहुत बहुत प्यार. जी जी जी, हमारी अगर आप बप्पी दा से कभी मिलें अगली बार, तो उन्हें हमारा, हमारी सबका टीम की तरफ से उन्हें धन्यवाद कहिएगा और हमारा प्रणाम अर्ज करिएगा कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर वो हैं, एंड सच अ सिंपल एंड सच अ ग्राउंड डाउन टू अर्थ पर्सन. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और आईपी जी आपका विशेष तौर पे धन्यवाद कि आप यहाँ आए अपना कीमती समय निकाल के. सो थैंक यू सो मच आज यहाँ पर आपका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. और पूजा जी, विनीता जी, आपका विशेष तौर पर मेरा धन्यवाद. और त्रिभुवन जी को भी, आज आपने जिस तरह से प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई, अपने गाने चूज किए, एंड आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर ऑल यू डू फॉर मी, फॉर द टीम, फॉर म्यूजिक. थैंक यू सो मच. और आईपी जी, मिलते हैं आपसे यूएसए में. थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑडियंस. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर स्टेइंग विद अस टुडे. एंड बप्पी दा और उनके सारे जो एंटोराज है, उनका जो टीम है, उन सबको हमारा धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.